अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे थे और मैं सुबह सुबह रेडी होके जा रही थी बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल में विंटर प्रोग्राम था तो उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं जा रही थी। और आपको भी दिखाऊँगी बहुत मज़े का परफॉर्म किया था स्पेशली अली ने। मैं जैसे ही घर से बाहर निकली ना तो मेरी मुलाकात हुई जोजो से। जोजो ना हमारी नेबर हैं और उनके साथ ये उनके पेट भी होते हैं। तो एक डियाना है और पीछे ये कैट है उनकी, इसका पता नहीं क्या नाम है। तो जो डियाना है ना वो वैसे तो बहुत क्यूट है, लेकिन उसका जो साउंड है वो बहुत लाउड है और मेरी तो वैसे ही जान जाती है इनको देख के। तो मैं दूर हो रही थी लेकिन ये ना रोड क्रॉस करके मेरे पास आ गई और खड़ी हो गई मेरे पास आके। ना प्रिटेंड तो मैं कर रही थी कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से मैं ही जानती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था। खैर मैं स्कूल पहुँची और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो अली के परफॉर्मेंस थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप और आपने ढूंढना है कि अली कहाँ पे खड़ा है। अच्छा अभी जो क्लिप देखा ना आपने उसमें अली नहीं था, वो प्री के थी, लेकिन अब जो स्टेज पे बच्चे हैं वो सब अली के ग्रेड के हैं। और अब आप ढूंढें कि अली कहाँ पे खड़ा है। अच्छा आपके लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो इसे आसान कर देते हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि सबसे बैक वाली जो रो है ना उसमें अली, तो अब आप इजीली ढूंढ लेंगे। अच्छा आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ अली की। कुछ दिन पहले ना अली स्कूल से आया और चेंज वेंज करने के बाद ना इसने माँ से कहा कि मुझे ये वाला ना सॉन्ग लगा दो। तो माँ ने उसको सर्च करके दिया तो इसने वो सॉन्ग लगा के उसके आगे ना प्रॉपर वैसे ही स्टेप्स किए। और टीचर ने शायद कहा होगा ना कि घर जाके प्रैक्टिस करना, तो इतना अच्छा परफॉर्म करा था घर पर और रोज़ प्रैक्टिस करता था आके। हम लोग ना छुप छुप के अली को देख रहे होते थे, लेकिन उसको परवाह ही नहीं होती थी, वो फुल ऑन अपनी रिहर्सल्स करता था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था सभी बच्चों ने। इनके ग्रेड की जो परफॉर्मेंस थी ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक थी, वरना बाकी जितने भी बच्चे थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन एनर्जी जो है ना वो सबकी डाउन ही थी। मेरे बच्चों में ना अमान और आयतल शाय हैं, लेकिन अली जो है ना वो डिफरेंट है और यही वजह है कि ये वीडियो में भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है वीडियो में आना। यहाँ पे अब आयतल की क्लास आ गई है परफॉर्म करने के लिए और बस छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था कि आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना फिफ्थ ग्रेड तक परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो अमान के स्कूल में तो कुछ ऐसा सीन नहीं था, तो बस मैं इन्हीं के स्कूल में गई थी और फिर वापस आ गई इनकी परफॉर्मेंसेज देखने के बाद, और बच्चे जो फिर अपने स्कूल टाइम में ही वापस आए थे। मैं सुबह 8 बजे गई थी स्कूल और वापस आते आते ना मुझे कोई 10 बज गए थे, क्योंकि आयतल की परफॉर्मेंस देखने के लिए ना मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि आयतल ने कहा था स्पेशली कि आपने मेरी परफॉर्मेंस देख के जाना है वापस। तो बच्चों को इस तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनके पेरेंट्स भी आएँ स्कूल में, उनको परफॉर्म करते हुए देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। तो बस इसीलिए फिर मैं गई थी और जाना ज़रूरी था मेरा, वरना आज का दिन मेरा इतना बिजी था, बहुत सारे काम थे जो कि मुझे वापस जाके करने थे, प्लस मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैं क्लिप्स भी ले रही थी। तो वापस आके ना मुझे सबसे पहले तो एक ज़रूरी काम करना था, जो कि सोचा मैंने ये था कि मैं ना टाइम से पहले कर लूँगी। कुछ दिन पहले मैंने सामान वगैरह लेके रख दिया था, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ बिज़ी हो जाती हूँ कि मेरे जहन से ही चीज़ें निकल जाती हैं। आजकल ना मेरी रूटीन बिल्कुल अपसेट हुई हुई है, क्योंकि इतने सारे काम इकट्ठे हो गए हैं जो कि करने भी ज़रूरी हैं। और यहाँ पे ना दिसंबर का जो मिड है ना वो हमेशा ही इतना बिजी होता है, क्योंकि आगे क्रिसमस आ रहा होता है तो उससे पहले बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं पेंडिंग, जो कि साल के एंड में आपको सारी क्लोजिंग करनी होती है। पेपर वर्क तो इतना ज़्यादा होता है ना यहाँ पे कि इंसान तंग आ जाता है कभी कभी। खैर यहाँ पे अभी मैं अली की क्लास के लिए ना गुडी बैग्स बना रही थी। वो क्यों बना रही थी वो भी अभी आपको बताऊँगी, किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं एक साथ।
यहाँ पे हमारे कोई बड़े बड़े इवेंट्स तो होते नहीं हैं, बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम खुद को बिज़ी रखते हैं और खुशियाँ ढूंढते हैं। तो अली का बर्थडे आने वाला है अभी, और उसके लिए मैंने सोचा कि उसकी क्लास के लिए ना ये गुडी बैग्स बना लूँ, तो अली जो है ना अपनी क्लास में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पर अलाव होता है, आप कोई भी चीज़ें जो हैं घर से भेज सकते हैं। तो मैंने कुछ कैंडीज़ ली हैं साथ में, चॉकलेट्स हैं, क्रैकर्स हैं। और इससे पहले ना मैंने आई थिंक कभी भी अमान या आयतल के स्कूल में या अली के स्कूल में इस तरह से गुडी बैग्स बना के नहीं भेजे हैं, क्योंकि हमेशा से ना मैंने जो कुछ भी करना होता था ना पाकिस्तान में ही करती थी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि बच्चों को भी पता चलना चाहिए, उनको भी आदत होनी चाहिए शेयर करने की, औरों को देने की, अपनी चीज़ें दूसरे लोगों में बांटने की। तो बस यही सोच के मैंने इरादा किया था और सामान भी लेके रख लिया था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। तो अभी 2-3 दिन ही रह गए हैं स्कूल में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं लाजमी जो है ना ये बना लूँगी, ताकि सुबह जब मैं अली को छोड़ने जाऊँ स्कूल तो उसकी टीचर को मैं दे दूँ, और उसके बाद फिर अली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अली की क्लास में ना टोटल 22 या 23 बच्चे थे, मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने 24 बना के भेज दी, क्योंकि एक्स्ट्रा अच्छा रहता है। और अमान और आयतल के लिए भी एक एक बैग मैंने बना के रख दिया था। तो अली का बर्थडे जो है ना वो 19 दिसंबर को होता है, और माशाल्लाह से अभी 6 ईयर्स का हो जाएगा अली, तो देखते हैं किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे इस बार। काम तो हो जाता है, उसके बाद जो चीज़ें समेटने वाला काम होता है ना वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर ये वाला काम हो गया, अब उसके बाद एक और ज़रूरी काम करना था मुझे, तो किचन को मैंने अच्छे से क्लीन करना था, थोड़ी सेटिंग इसकी चेंज करनी थी, वो इसलिए क्योंकि एक स्पेशल वीडियो बनानी है मैंने, जो कि मेरे हस्बैंड ने शूट करनी थी, और वो पूरी वीडियो जो है ना मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट की थी, तो उनकी डायरेक्शन में मैंने फ़र्स्ट टाइम एक व्लॉग बनाया है और शूट कर लिया है, लेकिन अभी उसका कुछ काम बाकी है। मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखा रही हूँ उसका, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई बहुत डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी, और आई होप कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि इससे पहले ना मैंने उस टाइप की वीडियो कभी भी नहीं बनाई है, तो आप सरप्राइज ज़रूर होंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी और कुछ डिफरेंट उन्होंने खाना था। पिछले दिनों से ना मैं कुछ बोरिंग डिनर्स दे रही थी उनको, तो इसलिए आज फिर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मामा कुछ अच्छा खिलाइएगा। मेरे पास ना चिकन का कीमा रखा था फ्रिज में, तो मैंने उसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड किए, और इस बार डिफरेंट स्टाइल के ना मैंने पैटीज बनाए हैं। तो ये वाले जो पैटीज है ना ये आपको भी अच्छे लगेंगे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, तो फ्रीज़ भी कर लूँगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। हम लोग लंच तो कैसे भी करके बना लेते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं कि ये बनाएंगे कल वो बनाएंगे, लेकिन डिनर के लिए ना मुझ जैसे लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ बनानी होती है जो जल्दी भी बन जाए और बच्चे शौक से भी खा लें। तो कुछ चीज़ें पहले से बना के फ्रीज़ कर लें अगर हम, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे पैटीज जब कुक हो गए थे ना, तो उसके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइसेस रख दिए थे, ताकि चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए, और साथ में मैं आइसबर्ग दूंगी बच्चों को। मेरे बच्चों को ना लेटस इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बिटर फ्लेवर आता है उसका, लेकिन जो आइसबर्ग है ना ये लोग माशाल्लाह से शौक से खाते हैं, मुझे भी पसंद है ये। तो ये मैं क्यूकम्बर एप्पल सैलड जो बनाती हूँ उसमें भी ज़रूर ऐड करती हूँ, और वैसे भी कोई बर्गर या कोई भी इस तरह की चीज़ रैप वगैरह देना हो बच्चों को उसमें भी ऐड कर देती हूँ अच्छी क्वान्टिटी में। वेजिटेबल्स वैसे तो हमसे इतनी खाई नहीं जाती हैं, और बच्चे तो स्पेशली बहुत कम खाते हैं वेजिटेबल्स, तो इस तरह सैलड में अगर हम थोड़ी वेजिटेबल्स ले लें डेली तो वो बेस्ट वे है। यहाँ पे मैंने बर्गर में सिर्फ चीज़ पैटी रखा है, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी केचप और मायोनीज़ ऐड की है, और बस इसमें आइसबर्ग रखूँगी और बच्चों को दे दूँगी। और मैंने क्या खाया था डिनर में, जो बच्चों ने बचा दिया था बर्गर थोड़ा बहुत वो मैंने खाया था, और उसके अलावा मैंने एक शामी कबाब लिया था। ये क्लिप ना मैंने 2 दिन पहले लिया था, और इसके बाद कल जो है ना यहाँ पे एक स्टॉर्म आया था, तो उसका भी मैंने एक क्लिप छोटा सा लिया था, मतलब पीक पे जब था स्टॉर्म तब मैंने नहीं लिया था, लेकिन उससे पहले जब वो स्टार्ट हो रहा था तब लिया था, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर तेज़ बारिश थी और कितना विंडी था। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये डो मेकर जो कि मैंने रिसेंटली लिया था, और अभी फ़र्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मुझसे 3-4 लोगों ने कहा था कि जब आप इसे यूज़ करें आपने डिटेल में इसकी वीडियो भी बनानी है और हमें बताना है कि ये काम की चीज़ है अगर तो हम लें वरना हम ना लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्यों लिया था। मेरी रिस्ट में ना मुझे काफ़ी टाइम से पेन होता है, कभी तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब पेन होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि मैं आटा बिल्कुल भी नहीं गूंथ सकती हूँ।
तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे मिस हो गई। तो अभी दोबारा मैंने लिया, इसी मंथ के एंड में मुझे जाना है डॉक्टर पे और सारा जो भी उसके टेस्ट वगैरह होंगे वो मैं करवाऊँगी। लेकिन मेरे लिए ये लेना इसलिए ज़रूरी था कि जब भी मुझे पेन हो तो मैं आटा इसमें गूँध लूँ। उसके अलावा भी बेकिंग वगैरह के लिए ये बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत सी पिज़्ज़ा डोर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत में जो है ना वो गूँधी जाती हैं और टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ, ये काम ही आएगी मेरे। कभी नान बनाने होते हैं या फिर बहुत सी ऐसी डो होती हैं जिनको बहुत मेहनत से गूंदना होता है, तो ये सब सोच के जो है ना मैंने ये डो मेकर लिया है। और मैंने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया, मैंने ये $90 का लिया था आई थिंक, कि मुझे डील में मिला था स्पेशल, और वॉलमार्ट से मैंने लिया था, दिखाया भी था आपको, फिर भी किसी ने पूछा था कि कहाँ से लिया है। अभी तक तो मैंने इसे एक बार यूज़ किया और अच्छा लग रहा है ये यूज़ में, इसकी क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है। बाकी आपको ये लेना चाहिए या नहीं ये आप ही डिसाइड करेंगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी देखा देखी में ना कभी भी कोई चीज़ ना लिया करें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको सिर्फ वो लिया करें। इसी बात के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।